ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमक्षत्र स्थिरैरंगैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। द्रौपदीय मांडुक्य कारिका के आखिरी अलात शांति प्रकरण के पहले दो कारिका हम लोगों ने पढ़ी और कल हम लोगों ने इसका प्रयोजन देखा था कि उपनिषदों की सीख और गौड़पाद जी ने जो हमें सिखाया उससे हम संतुष्ट होने पर भी हमारे मन में शंका रह जाती है कि इतने बड़े बड़े कहलाने वाले फिलोसोफर जिनके बहुत अनुयायी भी होते हैं वो क्यों गलत सोचते हैं। एक तो वो आप ठीक और वो गलत कैसे और उनकी गलती क्यों होती है ये अगर हम समझ जाएं तो हम फिर पूरे दिल से अपनी अपनी सिखाई हुई साधना में लग जाएंगे। तो इसलिए इस तरह का शास्त्रार्थ करने के पहले गौड़पाद जी ने संप्रदाय कर्ता गुरु जिन्होंने ये अद्वैत संप्रदाय अपनी साधना के बल पर खींच के लाया इस दुनिया में वो जिनको हम लोग अवतार मानते हैं। श्री रामकृष्ण जी ने बताया कि नर नारायण के एक युक्त रूप में भगवान ने अवतार लेकर के बद्रिकाश्रम में रह करके कठोर साधना के द्वारा इस अद्वैत को इस धरातल पर लाके प्रचारित किया और फिर उसके बाद पिछले अध्याय में जिसका उन्होंने स्पर्श योग करके उल्लेख किया था कि बिना किसी स्पर्श के यानी हमें कोई नई चीज प्राप्त नहीं करनी है हमारे स्वरूप के ऊपर जो कुछ एक क्रस्ट आ गए हैं जमा हो गए हैं गंदगी के उनको अज्ञान के उनको उखाड़ करके निकाल डालना है। यही साधना होती है अपने स्वरूप के द्वारा ही वह साधना निष्पन्न होती है इसलिए उसका नाम स्पर्श योग है। और ये ऐसी चीज है कि सभी के लिए सुखकारक होगी सभी के लिए हितकारक होगी इसमें किसी का अहित नहीं हो सकता इसमें किसी को दुख नहीं हो सकता। ऐसी है जो साधना दिखाई गई है उपनिषदों में उसको भी उन्होंने वंदना की जिससे कि हम इस साधना के बल पर आगे बढ़ सकेंगे। सवाल खाली फिलोसफी का आता ही नहीं है यहाँ पर। योग्य अगर हमारी सोच है उसके अनुसार अगर हम साधना करते हैं तभी सिद्ध होता है कि कौन सी सोच योग्य थी और नहीं थी। इसलिए उस विशिष्ट साधना को अब उन्होंने मैं द्वैतत्व प्रकरण में ये भी सिखा दिया था कि उसी के आधार पर दूसरे दूसरे भाव भी होते हैं और उसका जो आधार है अद्वैत उसको न छोड़ते हुए अगर हम साधना करते हैं तो किसी को दुनिया में कभी दुख नहीं दे सकती सभी के लिए हितकारक होगी। इस विषय में एक प्रसंग है जो कि स्वामी निखिलानंद जी ने जो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है उसमें एक बड़े विद्वान उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें और उन्होंने अपने जीवन में कहा कि श्रृंगेरी के किसी शंकराचार्य के पास वो गए और कहा कि अरे लोग तो अपना अपना मत ही ठीक मानते हैं ना ऐसा कोई मत है क्या कि जो किसी का विरोध नहीं करता। तब उन्होंने यह श्लोक पढ़ के उन्हें सुनाया था। ये श्लोक ना हम किसी के विरोध करते हैं ना किसी का दुख होगा इसमें ना हमारे के लिए कारक है
तब उन्होंने उनसे, भाई सुब्रमण्य शर्मा, तब उन्होंने उनसे मामले के सीखा होगा, तब उन्हें अद्वैत वेदांत का पता चला कि हमारे सब साधुओं को सिखाने वाले थे, मतलब इनका क्या। ये ट्रेनिंग सेंटर बहुत मॉडर्न चीज है, 1950 के बाद बनी। पहले जिन लोगों को, सबका नहीं, जिन लोगों को पढ़ाई की ओर झुकाव है, जो शास्त्र की ओर झुकाव है, उनको मैसूर भेज दिया जाता था। और मैसूर के राजा ने ये एक स्टडी सर्कल बोलो बनाया था, मैसूर स्टडी सर्कल, और उसमें ये वाई सुब्रमण्य शर्मा ये हमारे साधुओं को सिखाते थे, निखिलानंद जी इत्यादि साधु लोग उनसे सीखे। तो निखिलानंद जी ने जो पुस्तक लिखी उसको उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, उसमें उन्होंने ये बात, ये किसी का इसमें मतभेद नहीं है, किसी का ये नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो सकती है ये बात, इसमें किसी का पसंद नापसंद का सवाल नहीं आता है, किसी का हित तो नहीं होता है। ऐसा उन्होंने तब जो शंकराचार्य थे, नाम भी दिया उन्होंने उनका मैसूर के, उन्होंने उनका बताया था। वो यहाँ पर ये यही श्लोक था, वो विवादो अविरुद्ध, ये जो है ये हम लोगों ने कल देखा था। अब सवाल आता है कि जो मिथ्या दर्शन है या अधूरे दर्शन है, उनका परस्पर विरोध जब दिखलाएंगे हम, यानी इसकी कमी है वो दिखाएगा, उसकी कमी है वो दिखाएगा, परंतु इससे दोनों की कमियां अगर निकल जाएंगी, दोनों का सार्वग्रहण हो जाएगा, तो अद्वैत ही निकलेगा। ये पद्धति गोपाल जी अपना रहे पहले, फिर एक पद्धति अपनाएंगे कि उसका ही लॉजिक उसके ऊपर लगाओ पूरा, कोई मतलब नहीं। इसमें एक अनुच्छेद धागा चलेगा जो अद्वैत प्रकरण में आ गया था, कि बौद्धों का जो विज्ञानवाद है उसके आधार पर सारे द्वैतीय को खंडन हो जाएगा पूरा, और फिर उस विज्ञानवादी से कहेंगे कि अनुभव करने वाला तो कोई होता है ना, ऐसा कह करके वेदांत एस्टैब्लिश कर। स्वामी विवेकानंद ने यह बात लाहौर के अपने लेक्चर में बताई है। तो हम तीसरी कारिका पढ़ते हैं, भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्य अपरे धीरा विवदन्ता परस्परम्। इन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी का, पर ये सांख्य दर्शनकार और वैशेषिक दर्शनकार, इनका झगड़ा उपस्थित किया जा रहा है। सांख्य दर्शन को सत कारणवाद कहते हैं, वैशेषिक को असत कारणवाद कहते हैं। यानी सांख्य का कहना है कि जो था उसी का रूप परिवर्तन होकर के हमारे सामने आया है। देखेंगे वैशेषिक का कहना था जो नहीं था वो नए रूप से हमारे सामने आ गया। गोपाल जी कहेंगे कि दोनों बात ठीक है, वैशेषिक कहेगा कि जो था उसका आना क्या, वो तो था ही। संख्या कहेगी जो नहीं था वो कैसे आ सकता है, तुम कहेंगे ठीक है नहीं आ सकता है, जो था वो भी नहीं आ सकता है, जो नहीं था वो भी नहीं आ सकता है, मगर तो यही कहना कोई नहीं आता, ये सिद्ध हो गया ना ये पद्धति। तो कह रहे हैं कि केची रे वही, कोई कोई ही, सारे लोग नहीं, उनका कि बहुत से द्वैतीय हैं प्रतिपक्षी और बहुत से और विज्ञानवादी हैं प्रतिपक्षी, इनमें से कोई कोई ऐसे हैं, केची रे वही, कोई कोई लोग ही ऐसे हैं कि जो भूत भूत माने जो है पहले से उसी का जन्म मानते हैं, और अपरे दूसरे ऐसे हैं कि जो नहीं है पहले से उसी का जन्म मानते हैं, वो भी धीरा बुद्धिमान, वो भी बुद्धिमान है, और ये आपस में झगड़ते हैं। आचार्य इसको स्प्लिट करके हमें समझाएंगे, कथम द्वैतिना परस्परम विरुद्धन्ते इति उच्यते, द्वैती लोग कैसे परस्पर विरोध करते हैं ये दिखा रहे हैं। भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो, जो पहले से है उसी वस्तु का
जातिम उत्पत्तिम इच्छन्ति वादिना। जाति माने जन्म, जाति माने ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य क्षेत्र जाति नहीं, इसलिए जाति का अर्थ बता रहे अत्यारे जन्म। किसी दे वही संख्या न सर्वे एवं द्वैत्य, सारे द्वैतीय से नहीं मानते, संख्या लोगों का ही कहना है। यस्मात अभूतस्य, यस्मात माने सारे नहीं मानते क्योंकि अभूतस्य अविद्यमानस्य अपरे वैशेषिका नैयायिकाश्च, वैशेषिक और नैयायिक एक ही का थोड़ा थोड़ा भेद है। तो ये वैशेषिक और नैयायिक दोनों जो पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति मानते हैं। धीरा का अर्थ तो धीमंता होता है, बुद्धिमान, पर ये व्यंग्य के रूप में यूज किया गया है, इसलिए आचार्य समझा रहे प्राज्ञाभिमानी नो इत्यर्थ, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखने वाले, अभिमान रखने वाले। विवदंतो विरुद्धम वदंतो अन्योन्यम इच्छन्ति जेतुम इत्यादि, एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा से एक दूसरे से विरुद्ध बात कर रहे हैं। भूतम न जायते किंचित, अभूतम नैव जायते, विवदन्तो द्वया एवम् अजातिम ख्यापयन्ति ते। जो पहले से है उसका कभी जन्म हो ही नहीं सकता, जो नहीं है उसका जन्म कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार ये दोनों का विवाद है, ये तो अद्वैत ही सिद्ध कर रहे हैं ना, अद्वैत ही क्या पहनती मैंने सिखा रहे हैं ना, बता रहे ना उनको। आचार्य कहते हैं तेने तैर एवं विरुद्ध वदने न अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वती किम ख्यापितम भवति इति उच्यते। परस्पर विरुद्ध बात करने वाले उनके एक दूसरे का प्रतिषेध करके क्या निकल रहा है नतीजा, भूतम विद्यमान वस्तु न जायते किंचित विद्यमानत्वात् एव आत्मवत् इति एवं वदन, जो पहले से है उसका कभी जन्म नहीं हो सकता है, जैसे आत्मा का उदाहरण। इति एवं वदन असद्वादी सांख्य पक्षम प्रतिषेधयति सज्जन, ऐसा कह करके वैशेषिक और न्यायी सांख्यों का जो पक्ष है सत का जन्म वो खंडित कर देते हैं। तथा भूतम अविद्यमानम अविद्यमानत्वात् एव न जायते, और वो जो है ही नहीं वो न होने के कारण उसका जन्म नहीं हो सकता है। उदाहरण शेष विषाणवत, खरगोश के सिंह है नहीं इसलिए कभी जन्म नहीं हो सकता है खरगोश के सिंह। इति एवं वदन सांख्य अपी असद्वादी पक्षम असद जन्म प्रतिषेधति, तो सांख्य ये दोष देखकर करके उनका असद का जन्म नहीं हो सकता है बता रहे। विवदंतो विरुद्धम वदंतो अद्वया अद्वैतिनो ही एते, ये एक दूसरे के विरोध बताने वाले तो अद्वैती हो गए ना। अन्योन्यस्य पक्षो सद असतोर जन्मनो प्रतिषेधंतो, ये एक दूसरे का प्रतिषेध करके अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात अर्थात माने बाय इम्प्लिकेशन अजातिम अनुत्पत्तिम ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति, रिवीलिंग प्रकाशित यही कर रहे कि जन्म होता ही नहीं है। अगर है उसका भी जन्म नहीं होता है, नहीं है उसका भी जन्म नहीं होता है, तो किसी का जन्म ही नहीं होता। ख्याप्यमानम अजातिम तै अनुमोदामहे वयम् विवदामोन तै सार्धम् अविवादम निबोधत। तो वो इस तरह से जब अजाति ही प्रकाशित कर देते हैं, हम उनका अनुमोदन करते हैं, ठीक है कहते हैं, हम उन लोगों के साथ कोई विवाद कर ही नहीं रहे, हमारा ये विवाद न करना जान लो,
उन्हें कैसा है? उसके सपोर्ट में और आर्गुमेंट्स बताएंगे, अभी तो परस्पर विरुद्धता से हो गया है, और बताएंगे हम इसके बारे में। आचार्य कह रहे तैर एवं ख्याप्यमानाम अजातिम एव, अजातिम एवं अस्तु इति अनुमोदामहे केवल। उन्होंने जब आजादी प्रकाशित कर दी, हम ताली बजा के कह रहे बढ़िया बढ़िया ऐसे ही होने दो, न तेई सार्धम विवदान, हम उनके साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, पक्ष प्रतिपक्ष इसकी या उसकी साइड नहीं ले रहे हम, यथाते अन्योन्यम इति अभिप्राय, जैसे वो एक दूसरे को डिफीट कर रहे हम दोनों की साइड नहीं ले रहे, हम किसी को डिफीट नहीं कर रहे, हम कह रहे ठीक ही तो बोल रहे हो तुम। अतस्तम अभिवादम विवाद रहितम परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्माभिः निबोधते शिष्य, इसलिए जो परमार्थ दर्शन है, सही दर्शन है, जो अद्वैत सिद्ध आ रहा है उसमें, इसमें कोई विवाद ही नहीं है, उसको हे शिष्य लोग तुम जान लो। यहाँ पर हे शिष्य बोले, मैंने इनके सांख्य और न्याय से डिबेट करने गए ही नहीं है, उनका डिबेट बता करके शिष्य करे समझ लो तुम हमारी ये बात। शिष्य के मन में ये डिफिकल्टी आई थी ना कि वो ठीक नहीं है क्या, वो ठीक नहीं है क्या, आपके कैसे ठीक है, तो वो देखो आपस में झगड़ रहे हैं, उनको कोई झगड़ भी नहीं रहे, तो करे ठीक है, इसलिए है शिष्य तो हमारा कहना समझ लो। क्या उनका कहना है? अजातस्य वो धर्मस्य जातिम इच्छन्ति वादिना, अजातो ही अमृतो धर्मो मर्त्यताम कथम एष्यति। ये वादी लोग जो है ना, धर्म यहाँ पर पुरुष आत्मा जिसे कहते हैं, हम लोगों ने देख लिया इस पूरे प्रकरण में, तो जन्म वही नहीं उसका, ये तो हमारा कहना था ना, उसका जन्म बताने की कोशिश कर रहे हैं वादी लोग, किंतु वो अमृत है धर्म, ये अमृत है, वो जन्म लेके मरेगा कि नहीं, कैसे मरेगा, यानी कैसे जन्म लेगा, जन्म हुआ तो मरेगा ही, वो तो अमर है खुद ही, तो जन्म लेके मरेगा क्यों। ये श्लोक आ चुका है द्वैत प्रकरण, इसमें बहुत से श्लोक वैतत्य के और अद्वैत के द्वारा आएंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में फिलोसोफर लोगों को खंडित करने के लिए, हमें समझाने के लिए पहले आ गए थे, तो इसका भाष्य भी आचार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर कह रहे सदस्यवादी ना सर्वे अपि इति, यानी ये सांख्य और वैशेषिक सबके लिए लागू हो रही है बात, कि जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, यानी अब वो छोड़ो प्रधान विधान किससे जन्म होता है क्या जन्म होता है, हम तो जीवों को देख रहे हैं, और ये जीवों का ये तो अमृत है, इन्फिनिट है, ये तो इनका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, इनका जन्म ढूंढ रहे ना दोनों, ये कह रहे हैं कि असत कारण से इनका जन्म हुआ है, वो कह रहे हैं सत कारण से इनका जन्म हुआ है, तो दोनों इसी का जन्म ढूंढ रहे ना, इसका जन्म ही नहीं हुआ है, जन्म होगा तो मरेगा भी, फिर ऐसे कैसे होगा, फिर तुम्हारे मोक्ष कैसे होगा, सर्वे अभी करे सबके लिए लागू हो गया, जितने भी हो सांख्य वैशेषिक हो न्याय हो और भी जो भी द्वैती हो, वो तो इस आत्मा का इस पुरुष का ही जन्म ढूंढ रहे ना, और हम कहते हैं पुरुष तो अनादि है, अनंत है, अमर्त्य है, नित्य है, इसका कैसे जन्म होगा, जन्म होगा तो मरेगा फिर, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए इसका। इतना कहकर के आचार्य कह रहे पुरस्कार कृत भाष्य श्लोक, पहले इसका भाष्य हम कर चुके, न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। इसका जो स्वभाव है माने ओरिजिनल, वो कैसे बदलेगा, ये भी अद्वैत प्रकरण में बता दिया था उन्होंने,
अमृत जो है वो मरते हो ही नहीं सकता, कभी जो मरते कभी अमृत नहीं हो सकता। अमृत माने न मरने वाला ही अगर उसका स्वभाव है वो मरते कैसे हो जाएगा, और मरते अगर किसी का स्वभाव है वो अमृत कैसे, माने मोक्ष भी नहीं होगा उसका कभी। अगर आदमी मरते है तो उसका मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष आमरण धर्म है, मोक्ष नहीं है। जो पहले से ही नित्य है उसके जन्म ही कैसे हो सकता है, और अगर किसी का जन्म होता है तो मरण भी होता है, वो अमृत कैसे हो सकता है। प्रकृति का माने अंतर्गत स्वभाव का बदलना कभी भी नहीं हो सकता। स्वभावेन अमृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम्, पृथकेनामृतस्तस्य कथं शास्यति निश्चला। यह अद्वैत में स्पर्श योग बताने के लिए उन्होंने ये बात निकाली थी कि स्वरूपतः अगर आत्मा अमर है तो वो मरते नहीं हो सकेगा, और अगर मरते होता है तो बनाया हुआ जो अमृतत्व है कैसे टिकेगा, नेचुरल अमृतत्व नहीं अगर टिकता तो फिर हम ऐसा करके वैसा करके मुक्त हो जाएगी वो कैसे टिकेगा। जो तुम्हारा स्वरूपभूत अमृतत्व है वो अगर तुम मरते हो गए हो तो फिर तुम पाओगे अमृतत्व कैसे टिकेगा, क्योंकि इसमें एक चीज आती है मुझे याद आ रहा है अपने बारे में, बहुत से लोग वर्णन करते हैं भूल गए हम अपना अमृत भूल गए। फिर मुझे डाउट होता था कि आपको याद दिला दिया आपने, फिर हम नहीं भूल जाएंगे क्या दोबारा, अगर हम भूल गए आज तो बाद में कैसे नहीं भूल जाएंगे। भूलना का शब्द ही व्यवहार ही गलत है। स्वामी जी ने और शंकराचार्य ने जैसे बताया फैक्ट ऑफ लाइफ, आज नहीं जानते हैं स्पष्ट है, भूल गए क्यों बोलते, क्या पता था तुमको पहले, अभी नहीं जानते, जान जाएंगे तो भूल जाएगा नहीं, वो कभी ज्ञान का स्वरूप ही है, भूल गए अब याद आ जाएगा ऐसा नहीं। तो कह रहे कि जो पहले था वो अगर भूल जाते हैं तो फिर जो मिला है वो किसे नहीं भूलेंगे। दर्शा नाम श्लोक नाम ये उपन्यास पर्वादि पक्षाणाम अन्योन्य विरोध कापित अनुत्पत्ति अनुमोदन प्रदर्शन था। ये दोनों श्लोक तो पहले आ गए थे, आचार्य ने भाष्य भी कर दिया था, ये दोबारा इसलिए लाया है कि पक्ष प्रतिपक्ष में कैसे अद्वैत स्थापित हो रहा है ये बताने के लिए हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया इसका। संसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृताचया प्रकृति सेति विज्ञेया स्वभावम न जहातिया। संसिद्धि की सिद्धि के माने साधना करके कोई पा लिया है, अनिवादी सिद्धि बोलो कोई भी बोलो वो कैसे चली जाएगी। स्वाभाविक है अगर हमारे पास पहले से वो कैसे जाएगी, सहज माने हमारे जन्म के साथ जो उत्पन्न हुई है वो कैसे जाएगी। अकृता जो हमने कमाई नहीं है हमारी है ही अपनी वो कैसे, ऐसे अलग अलग नाम के बता रहे हैं कि प्रकृति या स्वभाव या नेचर तो उसी को कहते हैं कि जो नहीं जाती, अगर कोई चली जाती है तो उसका गुण है कमाया हुआ, प्रकृति नहीं है अपना नहीं हो गया है। अभी सिलसिले में बहुत सी बातें याद करो, जैसे ब्रह्मान समझी तपस्या देख करके विजय कृष्ण ने कहा कि ठाकुर ने तुम उसको सब दे दिया इतनी साधना क्यों करो, उनका सब दे दिया यही तो बात है ना, उसको अपनाना पड़ेगा ना, आयत्त करना पड़ेगा ना, यानी देने से कुछ नहीं बनता इसमें, अपनाना तो पड़ेगा उसको, आयत्त करना पड़ेगा, आयत्त कर लेंगे तो स्वभाव हो जाएगा।
किसी का दिया हुआ परमानेंट नहीं रहेगा, पर अगर हमने उसको खुद अपनी कोशिश से पा लिया फिर वो नहीं जाए। आचार्य कह रहे उदाहरण देख करके, लौकिक का उदाहरण देख करके ये चीज बताई जा रही है। यस्मात् लौकिक क्या भी प्रकृति न विपरीति का सौ इतिहास। इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि स्वभाव नहीं बदल जाते, ऐसे सम्यक सिद्धि संसिद्धि, संसिद्धि मैंने अच्छी तरह से जो सिद्ध की है तत्र भवान संसिद्धि की, यथा योगी नाम सिद्धा नाम अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति। योगियों की अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति ये जैसी है प्रकृति हो गया उनकी, सा भूत भविष्य काल योरपी योगी नाम न विपरीति तथैव सा। ये भूतकाल में रहे यहां पर, ये उनकी प्रकृति हो गई है, वो भूत और भविष्य काल में योगियों की नहीं बदल जाती, ऐसी ही वो है। ये एक बार लिख लेना पड़ेगा किसी नोट्स में क्या है ये। तथा स्वाभाविक द्रव्य स्वभाव था ये वो, यथा अग्नि अग्निधीना उष्ण प्रकाश आदि, वो तो उनका स्वरूप है अग्नि माने उष्णता प्रकाश आदि लक्षण है। सापी न कालांतर व्यभिचरती देशांतर च, किसी काल में भी नहीं बदलेगी किसी देश में भी नहीं बदलेगी, अग्नि कहीं भी गर्म ही होगा प्रकाश ही देगा। तथा सहज आत्मना सहव जाता यथा पक्षादी नाम आकाश गमनादि लक्षण, पक्षी को जन्म से ही उड़ने की प्रकृति दी गई है, वो नहीं जाएगी कभी। लौकिक उदाहरण अन्य भी या काचित अकृत केनचित न कृत यथा अपाम निम्न दशन गमनादि लक्षण, किसी ने बनाई हुई नहीं है वो है ही उनकी, जैसे पानी का नीचे बहना। अन्यपि या काचित स्वभाव न जाती सा सर्व प्रकृति रीति विज्ञेय, जो बदल नहीं जाती वही प्रकृति कहलाएगी इस लोक में। मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेषु अपि वस्तुषु प्रकृति न अन्यथा भवति, ये मिथ्या परिकल्पित जो दुनिया की चीजें हैं इनका भी स्वभाव नहीं बदलता जब, तब फिर ये परमार्थ सत्य जो है किमुत अज स्वभावेशु परमार्थ वस्तुषु अमृतत्व लक्षण प्रकृति न अन्यथा होती। इन रियलिटी ही जिनका स्वरूप अमर अमृत है उनका तो बदल ही नहीं सकता। अब होता क्यों है फिर पूरी तरह से उत्तर देना पड़ेगा, फिर हमें जन्म मरण की फीलिंग क्यों होती है। जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभावता, जरा मरण इच्छन्ता चवन्ते तन्मनीषया। हम मरेंगे ये तुम्हारी सोच के कारण तुम मरते हो, ये जवाब है इसका। आत्मा तो कभी मरती नहीं ना, सोचते हम मरेंगे इसलिए मरते हो, इतना बढ़िया जवाब हो गया। किसी को आज्ञा माया कुछ भी कहो, तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम सोचते हम शरीर है तो मरते हो। हमारा स्वरूप आत्मा है, अगर तुमको ये मालूम है तो तुम मरते ही नहीं, तुम क्यों मरते हो इसका ही जवाब है। तुम सोचते हो मरू मैं इसलिए मरते, ये कहा था उन्होंने शिष्यों के जान दुख ये जान बता रहे। तो
ये प्रकृति वगैरह के उदाहरण दिए और उनको किस प्रकृति के बारे में बताना है एक्चुअली, किम विषय पुनः सा प्रकृति यसे अन्यथा भावो वादी भी करते थे, इसका बदल जाना ये वादी लोग कल्पना कर रहे हैं। कल्पना है वहां को दोष है, पर कल्पना करने में दोष क्या है? कल्पना करने में ये दोष है कि वैसा हो जाएगा। तो जरा मरण निर्मुक्ता, बुढ़ापा और मरण आदि सर्व विक्रिया वर्जिता इति अर्थ के सर्वे धर्म सर्वे आत्माना इति एतत् स्वभाव था प्रकृति का। हर एक आत्मा की प्रकृति स्वभाव यही है कि वो मरता नहीं है, बुढ़ा भी नहीं होता। एवं स्वभाव संतो धर्म जरा मरणम इच्छन्ति धर्म, माने आत्मा ही सोच रहा है मेरा बुढ़ापा हो जाएगा, हुआ है मरूंगा। इच्छन्ते ही वो इच्छन्तो मेरा बुढ़ापा आ जाए मर जाए ऐसा नहीं सोच रहा है कोई, पर हो जाएगा ऐसा सोच रहा है, वो इच्छा के जैसा हो गया। रज्वामी वो सर्पम आत्म निकल्प होता, रज्जु सर्प के समान आत्मा में कल्पना कर रहे हो तुम जरा मरण की, ये इच्छन्तो का अर्थ है। चवंते स्वभाव चलंती इति अर्थ, इसलिए अपने वो स्वभाव से गिर जाते हैं। तन मनीषया आखिरी शब्द तक अरिका के तन मनीषया, यानी जन्म मरण की चिंता से उस भाव से भावित हो करके इस दोष से ही मरते हो। इसके थोड़ा डिटेल यानी वैशेषिक लोग सांख्यिक की क्या क्या गलतियां निकालते ये बता रहे। कारणम यस्य वही कार्यम, कारणम तस्य जायते, जायमानम कथम अजम, भिन्नम नित्यम कथम चतत। सवाल यह है कि इवोल्यूशन जिसे कहते हैं लोग, सांख्य कहता है कि प्रकृति से महत्त्व निकला, अब महत्त्व प्रकृति से भिन्न है कि अभिन्न है बताओ? अगर अभिन्न है तो निकला क्या क्या मिले, फिर उसका रूप बदल गया है तो रूप नाम की चीज नहीं आई है क्या? वो भी कहां से आई फिर? वो फिर तुम्हारे वैशिष्ट्य के अनुसार जो पहले नहीं थी वो नहीं आ गई क्या? जवाब क्या इसका? अरे रूप वेर थोड़ी है, रूप बदलता हुआ दिख रहा है हमको, परंतु इवोल्यूशन का अर्थ कॉन्फिगरेशन बदलना, मैंने रूप बदल गया उसका, नहीं तो फिर सांख्य में क्या सत्कारणवाद है? प्रकृति से मत निकला, मत से पंचे भूत निकले, पंचभूत से अमुक निकला, उससे अमुक निकला, तो निकला या अलग अलग निकला क्या कि जो था वही दिखने लगा दूसरे रूप में? आत्मा के लिए बहुत सुंदर है अद्वैतियों के लिए, आत्मा से आकाश निकला मैंने आत्मा आकाश दिखने लगा, यह अर्थ हो रहा है उसका। इसमें नया कुछ भी नहीं हुआ है, अज्ञान से दिख रहा है तुमको, आज भी आत्मा ही है वो, आकाश रूप में तुमको दिख रहा है, आगे आत्मा ही तो है, परंतु आत्मा स्थिर रहता है प्रकृति बदलती है, ये सांख्य का कहना है। तो बदलता है ना, फिर उसमें जो बदलाव है तो वो तो शून्य से आया कि नहीं, ये वैशेषिक पॉइंट आउट करें। कारण से जो कार्य बन गया, मैंने कारण ही कार्य रूप में आ गया, तो फिर कारण का जन्म हुआ, मैंने कारण ट्रांसफॉर्म हो गया ना,
अगर बदला है तो फिर उसको अजय नहीं कह सकते। प्रकृति को सांख्य भी अजय ही मानते हैं, तो फिर तुम उसको अजय कैसे मानते हो जो बदल रहे थे? और अगर उससे भेद है ये, तो फिर उसको नित्य कैसे मानते हो? नित्य है तो उसका भेद कैसे मानते हो? भेद है तो नित्य कैसे मानते हो? जन्म होता है तो अजय कैसे कह रहे हो? अजय कह रहे हो तो जन्म कैसे हो? इवन दिस स्लाइटेस्ट डिफरेंस क्रिएटेड, फिर वो डिफरेंस तो नया है ना, ये सूक्ष्म विचार ये होता है। नहीं तो मिट्टी से घड़ा बना, हम कहते बना ही नहीं कुछ, मिट्टी तो है, रूप नया बन गया। मैंने इस सब के मूल में यह है कि नाम और रूप अपने में कोई रियल है ही नहीं, ब्रह्म नाम और रूपों के मार्फत प्रकट हो गया, एक ओम बहुत से, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है ब्रह्म में। यही तो गौड़पाद बार बार कंठस्थ करके बता रहे हैं, नाम और रूप नया आ गया तो क्या आया? नहीं आया क्या? रूप सत्य क्या है? रोज बदल रहा है, तुमने नाम रख दिया तो बस रियल लगने लगा तुमको, नाम आने तो पाका आवाज। मैंने जो सवाल आता है हमेशा, निर्गुण से ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, ये तभी तक डिफिकल्ट लगता है जब तक कि हम नाम और रूप को सत्य मानते हैं, तब तक। पर एनालाइज करने पर पाएंगे कि न रूप सत्य है न नाम सत्य, तो फिर निर्गुण था सगुण रूप में आया, सगुण था निर्गुण रूप में आया, इसमें कुछ फर्क ही नहीं लगेगा। ये ठाकुर का ज्ञान, ठाकुर विज्ञान, विज्ञान जो करे ना, ये ठाकुर का विज्ञान है। ब्रह्म ही तो है जिसको तुम स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सूंघ रहे हो, सब ब्रह्म ही तो है। इतना ही नहीं, वो कहेंगे सूंघना खाना ये ब्रह्म ही है, तुम भी ब्रह्म हो। तैतृ उपनिषद के साधक का यही तो अनुभव हुआ, आनंद से पागल हो गए फिर। यही पागल हो गए माने यही आनंद की चरम अवस्था है। अब इनको दुख भी कहां से होगा? हाथ में चोट लग गई, लग गई कहीं, इसमें क्या हुआ? इसलिए ये डिटेल तर्क वैशेषिक का न्याय सांख्य के प्रति ये है। न्याय कमेंट्री थक गए, टाइम बहुत कम हुआ है। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देव भद्रम पश्येमाक्षरंगष्टवंशस्तनोंशेम देवित यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रव स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणम्।